मेरे ख्याल से ना इसको बेचारे को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है शायद, ये अंदर ये वाला दाना नहीं खा रहा, तो भी मैंने बासित भाई को बोला बीज पकड़ाओ। क्या हुआ है? मेरे कान पे दंदी काटी है इसने। ओ नहीं भाई, दंदी क्या है? वो बोल रही। बड़ी जोर से काटी है उसने। ओ भाई बोल रही। ओ देखो। नहीं नहीं भाई बोल रही। क्या कर रहे हो उस्मान भाई, इसको फिर ये पिला रहे हो? क्या हुआ है इसको? वो क्यों क्यों नहीं खिलाते इसका फीडर? हाँ वो उसको सिर्फ दिन में एक टाइम उससे खिलाता हूँ। पता क्या होता है, जब उससे खाता है ना ऐसे, हाँ नाक है ना उधर, वो लगता है इसको, तो फिर ये खिलाना शुरू कर दिया इसको। तो एक टाइम ये खिला दो, एक टाइम वो खा लेता है, दाना खाता है, एक टाइम ये सिर लग। अभी तो मेरा खाला फुल भूख है। हाँ इसको भूख लगी हुई है। अच्छा ऐसे खिलाता है? अभी तो भाई इतना ज्यादा पीता है। हाँ तब सिर्फ एक सिलिंग ये पीता था, अब तो 6-7 पी जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों मान भाई जो है ना अपने वो बेबी पिजन को वो खिला रहा था सीरियलैक, तो हमारा जो पैरट है ना वो देखें, ये देखें जरा उसके पीछे है बिल्कुल, वो चाह रहा है कि मुझे भी कुछ खिलाओ। तो मैं ये इसके जो बीज ले गया हूँ इसको मैं खिलाने की कोशिश करता हूँ, ये उड़ ना जाए। दोस्तों मैं इसको खिलाने लगा हूँ लेकिन ये मेरे ख्याल से उड़ जाएगा अभी। नहीं ले रहा? नहीं यार, इधर बीज रखो थोड़ा, वो खाएगा खुद ही आएगा। रख रहा हूँ लेकिन पकड़ नहीं रहा। नहीं कोई नहीं पकड़ रहा वो, वैसे भी ये तो नहीं देख रहा शायद, लेकिन ये तो खा नहीं ना सकता वो। दोस्तों मैंने उसको खिलाने की कोशिश की है लेकिन जो है ना ये खाता नहीं है, डर रहा है अभी। उसके अंदर से खा लेता जो हमने वो डाला हुआ है ना बजट के लिए दाना, वो खा लेता। यार ये सारी खत्म कर गया, सारा खा के इतना तो रह गया, अभी इसको और भूख लगी हुई है। ओए ओए भाई बस कर, कितना भारी हो गया ये यार पेट भर। दोस्तों ये देखें जरा, बड़ा होगा ना, देखें इसकी ये देखें कितना भर गया। ओए होए 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 भाई बस कर। तो दोस्तों ये देखें अभी मैं इस केज में आके अंदर खड़ा हुआ, मैंने ये खुमरे का बच्चा देख पकड़ा था, मैंने सोचा इसको देख दो कैसा, और ये जो हमारा मियां मिठू है ना ये खुद ही आके मेरे ऊपर मेरे कंधे पे बैठ गया। मेरे ख्याल से ना इसको बेचारे को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है शायद, ये अंदर ये वाला दाना नहीं खा रहा, तो भी मैंने बासित भाई को बोला बीज पकड़ाओ। क्या हुआ? मेरे कान पे दंदी काटी है इसने। नहीं भाई दंदी क्या है? वो बड़ी जोर से काटी है उसने। ओ भाई बोल रही। ओ देखो। नहीं नहीं भाई बोल रही। मिटू 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 यार देखी मेरे कान पे फोन तो नहीं था। ओ भाई कुछ नहीं हुआ, हाँ निशान भी नहीं पड़ा दो। मिटू इसको बीज दो यार भाई, वो नहीं वो पकड़ते ही पर निकाल नहीं रहा, मेरे हाथ से पकड़ेगा शायद। नहीं भाई मिठू मैंने काम करना ही नहीं इसकी तरह, आ गया ना? नहीं खा, आगे भी इसने ऐसे पकड़ा बाहर फेंक देगा वो, देख बाहर फेंक छिलके बाहर ही फेंकता है, अंदर पूरा बीज बाहर फेंक रहा भाई, पूरा बीज बाहर नहीं है। बड़ी जोर से दंदी काटी है, चल खा ले मिठू। मिठू यार ना बिठाओ, ये मारेगा उसको, मुझे भी काटेगा साथ। दोस्तों ये देखो उठा यार इधर से, चलो मिठू 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 बड़ा ये दोस्तों खुश हो रहा था मेरे ऊपर आके बैठ, यार वो बैठा मेरे कंधे पे, मैं आके ऐसे अंदर खड़ा हो अभी खा रहा है, अभी खा रहा है तो ऐसे फौरन आके मेरे कंधे पे बैठ गया। मिठू खा रहा है ना, बस ठीक है इसको खाने दो यार। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मुझे आज ये आके बैठा है ना, मुझे तो मतलब सारा इतना ऐसे मतलब सुकून आने लग गया कि यार हमारा कोई परिंदा ऐसे आके हमारे पास अभी वो बेबी भी जल गया यार। एक चीज मैं सोच, मैं पता क्या करते हैं, इसको देते हैं वापिस बाजार, छोटा बच्चा लेके आते हैं इसको, कोई इस तरह के तोते का इसको वापिस दे देना यार। ये मतलब बड़ा है, ये टेम होगा वैसे? नहीं इतना तो नहीं होगा जितना बच्चा होगा। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा ले आते हैं उसको टेम करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है खा रहा है वैसे? शर्ट तेरी गंदी कर दी है उसने सारी, पकड़ो खैर यार खा ले बस। नहीं तो ऐसा करते हैं इसको भी रख लेते हैं, एक बच्चे का पता करते हैं। चलो अगर ये अगर हम बच्चा मिल रहा होगा तो अगर हमें ये वापस करना होगा तो हम ये भी कर देंगे, मतलब सेल कर देंगे इसको।
तो ये देखें जो ये हमारी डव है ना एक, इसको हमने इधर बंद कर दिया था सुबह, क्योंकि सुबह जो है ना सारे जो ये खुमरे हैं ना ये इस डव को हम मार रहे थे, इसके पीछे लगे हुए थे। बाकी तीनों तो जो है ना इधर मतलब सही है। ये देखें दो तो ये हैं, दो ये फिर रही हैं। लेकिन ये उड़ती क्यों, ये उड़ गई है माशाल्लाह से, उड़ भी रही हैं। अगर ये देखें इनको स्टैंड का भी पता चल गया कि इधर स्टैंड लगा हुआ है और स्टैंड पे भी ये बैठी है। किसको? हाँ चलो बाहर निकाल के देखते हैं कि जो है ना कौन सा इसको बर्ड। एक मिनट बच्चे, चलो लो मैंने बाहर निकाल दिया अभी इसको। उड़ो भाई, ये वही वाली जो मैं आपको कह रहा था ना, ये सही उड़ती ही नहीं है। वो देखो ना जमीन के ऊपर ही रहती है ये। देखे दोस्तों माशाल्लाह आज हमारी डक खुद ब खुद उठ के चल रही है सही से, और आज इसने दोस्तों दाना भी खा लिया और ये चल भी सही रही है। अभी मुझे उम्मीद है कि माशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अभी वो हम उसको देखते हैं, मुर्गी को, मुर्गियों को भी खोल दो यार। ये चूजे बासित भाई ने खोले, मुर्गियां भी खोल दी। क्या हुआ, कौन सी? नहीं यार ये कैसे मर गई है? ओ यार ये इनके साथ बंध गई इसलिए मर गई। दोस्तों हमने ये वाली जो हमारी मुर्गी है आज 3 दिन हो गए थे ये बीमार थी। हम 3 दिन से इसको ना डेली 2 टाइम सिरप भी पिला रहे थे, पानी भी सिरप वाला दे रहे थे, लेकिन आज जब इसको खोला तो ये मतलब अंदर से एक्सपायर हुई हुई है यार। इतनी ज्यादा वो इसकी मतलब कही थी हमने कि ये ठीक हो जाएगी। ये सबसे प्यारी लगती थी मुझे यार। क्या यार ये, मुझे तो अब इतना शुक्र है, मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र कर रहा था अभी आपको, मैं कह ही रहा था कि शुक्र है डक ठीक हो गई है, ये इसको कुछ नहीं हुआ। इसका सोच रहे थे और ये देखा तो ये एक्सपायर हो गई है। एक हमें एक साइड से वो थोड़ी खुशी हो रही थी कि हमारी डक जो है वो सही हो रही है, और दूसरी साइड से ये मुर्गी अलग है, कल इससे बिल्कुल ज्यादा ठीक थी ये मुर्गी। मतलब कल सही खा भी रही थी और भाग रही थी, सुबह में इसको जब सिरप पिलाया तब भी ठीक थी। सिरप जब इसको पिलाया तब तो पकड़ी नहीं थी जा रही है, लेकिन अभी इसको आँख खोला है तो अभी एक्सपायर हुई पड़ी है। ये मुर्गे मारते हैं ना इसलिए, मेरे ख्याल से तो ये मुर्गों ने मार मार के बंद कर उसको ना मार दिया। हाँ उधर दोस्तों जब तक ये बीमार थी ना हम इसको वो रैबिट्स वाले घर में बंद करते थे। कल हमने सोचा कि ठीक हो गई है, मतलब कि खुद ही खा पी भी रही है भाग रही है, तो हमने ना इसको उधर ही बंद कर दिया। तो आज उधर से खोला तो एक्सपायर हो पड़ी। ये जाती करते हैं ना ये मुर्गे जो हैं, ये हमारे जो वाइट कलर के मुर्गे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल जानवर घर को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।